صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो आई किसकी तरफ से? ये तो तय है कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथ की कमाई है, ये तो तय है. इंसान अपनी ऊपर आने वाली मुसीबत को जब अपना कसूर मान लेगा ना, तो ये भी एक सुकून की एक जरिया है. यार अब क्या ही ऐसा था, सुबह को ऐसा वाकया हो गया तो अपने रात के गुनाह को याद करेगा, अल्लाह की ना फरमाने को याद करे. याद रखिए, जब गुनाह बंदा करता है ना, तो ये हमारे शऊर में ये बात बसती नहीं है. देखिए, एक्शन का रिएक्शन है. हमने एक एक्शन किया जो कि नाफरमानी पर था, इसका रिएक्शन होना नहीं होना, लॉजिकल बात में अर्थ करना. ठीक है, आप बॉल किसी दीवार पर मारेंगे तो वापस आएगी नहीं आएगी, जमीन पर मारेंगे तो ऊपर जाएगी नहीं जाएगी. एक्शन का रिएक्शन है, अमल का रद्द अमल है. अब अमल का रद्द अमल जब होना है, हमने एक गलत काम किया, गुनाह किया, नाफरमानी की, एक एक्शन है, एक अमल है, इसका रिएक्शन तो आएगा ना. इसके रिएक्शन पर बंदा गौर करे कि इसका रिएक्शन क्या आया. आप अगले लम्हे नोट करें, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इबादत की लज्जत खत्म होती नजर आएगी. आपका एक जौक, आपका एक शौक, इबादत का मजा, इबादत का जौक, इबादत का शौक, इसको आपको खुद घटता हुआ नजर आएगा. थोड़ी सी इबादत में तबीयत बोझल होनी शुरू हो जाएगी. गुनाह हो ना, गुनाह हो गया ना, तो दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा ना, वो शफाफ कल्ब खत्म हुआ, वो शफाफ बातिन और सुथरा और उजला बातिन खत्म हुआ. दुरूद शरीफ में आपकी कमी नजर आएगी, जिक्र अस्कार में आपको कमी नजर आएगी, इबादत में वो कमी नजर आएगी, कुरान की तरफ हाथ बढ़ेगा रुक जाएगा. बहुत सारे प्रॉब्लम, आप अगर सोचने की सलाहियत है, इतनी सेंसिटिविटी, इतनी उत्साहियत आपकी तबीयत में है, तो आपको ऑन द स्पॉट रिएक्शन नजर आएगा. और अगर जैसे ये रिएक्शन नजर आता है, ये नसीब वाला जिसको रिएक्शन समझ में आ जाती है, फौरन तौबा कर ले कि तौबा उसके गुनाह को अल्लाह की रहमत से मिटा देगा. फौरन तौबा कर ले, ये एहसास होना, ये भी अल्लाह की रहमत होती है. फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर ये नहीं इस तरफ जाएगा, तो फिर एक वक्त आता है कि उसके ऊपर इबादत में उसकी छुट्टियां शुरू हो जाती हैं. एक का नमाज उसकी कजा हो जाती होगी, शुरू में जमात चली जाती होगी, तकबीर उला चली जाती होगी, पहली सफ चली जाती होगी, इसके रिस्क में बेबरकती उठती होगी. कितने लोग इस वक्त तंग दस्त हैं. ये तंग दस्त शख्स दुनिया के मामलात पर कोसेगा, दुनिया को कोसेगा. तंग दस्त शख्स दुनिया कोसेगा, अमन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फला नहीं है, डिमका नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कारोबार नहीं है. जबकि देखता है कि अपने इसी शहर के अंदर कई लोग खा पी रहे हैं और फल फूल रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग सबके सब मतलब के तंगी का शिकार नहीं है. ये सबको कोसेगा, खुद को नहीं कोसेगा कि ये तंगी कहीं मेरे गुनाहों की वजह से तो नहीं आ रही. अल्लाह की नाफरमानी और सुकून है, मतलब आप कुछ बताइए. चले एक मुसलमान से बात कर रहा हूं कि सुकून इत्मीनान ये अल्लाह की नियमत है या नहीं है. मैं मुसलमान से सवाल कर रहा हूं, मैं कुरान, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले सवाल कर रहा हूं, ये बताइए कि इत्मीनान और कल्बी सुकून, मोहब्बत और प्यार, ये अल्लाह की नियमतें हैं या नहीं है. अल्लाह की नियमत पाने का तरीका इसकी फरमा बरदारी या ना फरमानी. अब मैं बोल लू 2+2 कितने होते हैं, तो बच्चा भी बोल देगा 4, 2 + 2 = 4. मैंने ऐसा ही सवाल किया आपसे, ये बच्चा ही बता देगा कि यार बात तो सही है. अल्लाह अपनी फरमा बदारी अता फरमा. आमीन. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु